ओम शांति। आज तारीख है 22/9/2020। प्रत्य मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप बाकी याद रहे और कुछ भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है समय शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्मल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। तो शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी भी भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करो। शुभ भावना भी विभेद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए विभेद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। ओम शांति। आप बाबा के मीठे स्किल दे बच्चे। ओम शांति। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाबा की मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, फिर से ओम शांति।